तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं हमारे तीनों फाइनलिस्ट और इसके बाद सिर्फ आप ही के वोट्स तय करेंगे कि कौन बनेगा सुपर सिंगर ऑफ 2017। ये तो कुछ और है। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली वो मैं 10 महीने से एक सिंगिंग शो का होस्ट कर रहा हूँ ना, तो आदत हो गई है, भूल चूक माफ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के लिए और गजल के सम्राट पंकज उदास जी और तलत अजीज जी के लिए। तो सर ऐसा करते हैं कि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आपसे तड़कती भड़कती बातचीत इमीडिएटली शुरू करते हैं, इजाजत है? सबसे पहले मेरा सवाल अनूप जी आपसे। हाँ जरूर सर। आपकी जो इमेज है इतनी पाक पावन भगवान की आदमी वाली इमेज है, जो सही है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कहीं गए हैं और कोई बड़े मजे में चिकन खा रहा है अपने प्लेट से दबा रहा है और फिर आप वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसे चिकन छुपा दिया और फिर आप वहां गए और बोला भाई चिकन कैसा बनाया है मैंने, मसाला कम तो नहीं है? सर इमेज की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई आपको? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं सब खाता पीता हूँ मजे। क्या बात है। एक छोटा सा सवाल है, मतलब आप लाइव शो में पैसे लेते हैं कि प्रसाद लेते हैं? मैं पैसे को ही प्रसाद समझ के ले लेता। अरे क्या बात है। अनूप सर सच बताइए, कुछ तो इमेज के साथ आपकी इमेज, इतनी अच्छी इमेज भी अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, आप हमेशा कुछ एक तरीके से बिहेव करेंगे, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बहुत होता है क्योंकि मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो लोग बाद में मुझे फल फूल लाके दे देते हैं जो ये आपका खाने का सामान है, तो मैं उनको समझाता हूँ यार मैं भी नॉर्मल वही सब खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं। इनकी इमेज इतनी क्लीन है ना अनूप जी की, इतने भजन गाए हैं, मैंने एक दिन गूगल पे टाइप किया अनूप जलोटा, आगे से थप्पड़ वाला स्माइली आ गया था, श्री तेरा बाप लगाए गए इनके नाम के आगे। और साथ में ये भी लिखाया कि चप्पल उतार के टाइप करें प्लीज। आदित्य इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन तुमने अभी तक पंकज जी से एक भी सवाल नहीं पूछा, मुझे लगता है पंकज उदास हो गए। पंकज सर रॉकस्टार फिल्म में जब रणबीर कपूर को सिंगर बनना होता है तो उसे कहा जाता है कि यार आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना बहुत जरूरी होता है, तो सर आपकी क्या कहानी है, आपका भी जवानी में दिल टूटा है या कोई मानी नहीं, मतलब कैसे हुआ सर? जिस तरह से मैं गाता हूँ शायद 10 बार टूटा होगा। सर हम लोग उन 10 के 10 को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से इंडिया को इतने अच्छे अच्छे गाने मिले, तो थैंक यू। थैंक यू। पंकज सर आप ज्यादातर शराब पे गाने बनाते हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ज्यादातर नहीं बिल्कुल फिर हमने पी के सुने होंगे। आपने सच बात बता दी, पोल खोल दी। एक्चुअली मैं सर इनके 4 गाने बैक टू बैक सुन लो आपको हैंगओवर हो जाता है। बिल्कुल। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी शराब की कंपनी ने अप्रोच किया हो कि यार अपने गानों में हमारे ब्रांड? मैंने उसूल के तौर से मैंने टबैको और शराब को कभी प्रमोट नहीं किया मेरी जिंदगी में। इन्होंने हमेशा कहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। मुझे जालंधर से फोन आया कि साहब एक लड़का है यहाँ पे, वो कितने दिनों से आपका एक गाना सुन रहा है, उसने क्या किया था कैसेट को रिपीट पे डाल दिया हुआ था, उसकी एक छोटी सी दुकान थी, तो सुबह जब दुकान खोलता था तो वो गाना शुरू करता था और रात में जब दुकान बंद करता था तब बंद करता था। क्या बात। तो अगल बगल वाले जो थे सुन सुन के परेशान होने लगे कि भाई अब कोई दूसरा गाना भी बजा दे। ये क्या सुबह से यही चला हुआ। आखिर में ये हुआ कि लोगों ने जाके जालंधर के मेयर को कंप्लेन की कि साहब आप कोई रास्ता ढूंढिए कि भाई ये बंदा ये सुनना बंद करे। तो उसने कहा कि भाई मैं ये गाना सुनना उस वक्त बंद करूंगा जब पंकज उदास खुद आएंगे और इसको बंद करेंगे। क्या बात है। तो मैं जालंधर गया खास यहाँ से, वहां जाके मैंने जब वो उसके टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन दबाया तब उसने वो गाना सुनना बंद किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक लॉग बुक रखा हुआ था कि आज दिन में कितनी बार सुना। अब वो इतने लंबे अरसे से सुन रहा था
कि उसने वो गाना 60,000 बार सुना। क्या बात है, सुपर। और आज भी उस लड़के का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे दर्ज है फॉर अ वेरी अनयूजुअल रिकॉर्ड के भाई कोई बंदा एक गाना 60,000 बार क्यों सुनेगा। सर प्यार करते हैं लोग आपसे। सर आप तो है बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी एक गाना आदमी बहुत सुनता है, एक आदमी वो भी पंजाब में था। बाप तो नहीं है। सुबह से शाम सुन रहा है। तो उसको एक हफ्ते बाद किसी ने कहा, क्या बात है तुम यही गाना सुनते रहते? कहते जब तक अनूप जलोटा ठीक से नहीं गाएंगे अभी। अमेजिंग। एप्पल जूस है? एप्पल जूस नहीं है, वो क्या है कि हम जो पंजाबी है ना, हमको दारू पीने के लिए गाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी बात पी लेते, ओए मान गई ओए पी लो, ओए छोड़ गई ओए पी लो, ओ मम्मी ने भिंडी बनाई पी लो। हम तो अगर एक पैक ज्यादा पी लेना गलती से तो एक और पी लेते, ओए स्टैमिना बढ़ गया ओए। अरे मियां इसी पर एक शेर कह देता हूँ, चलो सर प्लीज इरशाद, के नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल। सर है ना, वाह वाह वाह, क्या बात है। नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, अरे किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। हेलो सर, हमको पता चला है कि आपको शाम गजल की बहुत शौक है, आप घर पे पोइट्स को सिंगर्स को बुलाते हैं और बहुत कमाल की महफिल सजाते हैं, तो सर क्या इसी की वजह से आप इंस्पायर हो के फिर यार आदित्य रुक दो सॉरी क्या घुमा घुमा के पूछ रहा है, मैं 2,000 रुपए डालना चाहता हूँ। डायरेक्ट बात पूछनी है आपसे तलत सर, सच बताइए आपने गजल पैसे बचाने के चक्कर में सीखे है ना, कि बाकी आर्टिस्ट को पेमेंट ना देनी पड़े, मुफ्त में घर में जम जाए महफिल। बताइए सच बताइए, यही क्या ना आपने। बट सर आप बता रहे थे कि आप गजलों में क्यों इतने ज्यादा कैसे इंटरेस्टेड हुए और कैसे आप यहां? यार अभी ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं आपको बस एक छोटी सी बात, कहीं कोई लड़की है कहीं कोई दर्द है, हमें बस इसमें इंटरेस्ट है। कहीं कोई लड़की है कहां नहीं है ये पूछो। कहीं और कोई हर जगह है। ये बात मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। अनूप सर सबके पोल खोल रहे हैं आज, आपकी इमेज ही अच्छे में देख रहा हूँ, आप कितने शैतान। सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं। अनूप सर एक छोटी सी बात पूछनी है, जितने आपने भजन गाए हैं सर आपके फैन है के भक्त हैं? भक्त भी तो फैन ही होते हैं। सर एक छोटा सा सवाल था, सबसे वियर्ड फरमाइश आपको कौन सी हुई आज तक और आपको पूरी करनी पड़ी है मजबूरी में, वियर्ड फरमाइश? एक दो बार ये हुआ है, 2-2.5 घंटे हम गा चुके हैं जी, और एक आदमी कहता अब एक अच्छा सा गाना सुना। अच्छा अनूप सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने महफिल जमा दी, 2 घंटे का शो हो गया, 3 घंटे का शो हो गया और उसके बाद फिर कोई ऑडियंस से उठ के खड़ा हुआ और बोला अरे अभी मुझे फास्ट नंबर सुनना है, कुछ तड़कता भड़कता, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? सुना देते। अरे अरे सर सुना दो, सुनाइए सर, सुना दो। लवली सर शुक्रिया अमेजिंग सर अमेजिंग। अच्छा अगला सवाल आप तीनों के लिए, आप लोगों ने साथ में शोज तो किए ही होंगे? हाँ बहुत बहुत भाई, आज सुबह ही लौटे। अरे वाह क्या बात है। अच्छा तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग स्टेज पर गए और कभी किसी को ज्यादा तालियां मिल गई या किसी ने 1 घंटा गाना था और थोड़ा ज्यादा गा दिया तो फिर आप ग्रीन रूम में यार बोला ए भाई ज्यादा शाणा मत बन, तेरे को 1 घंटा बोला तो तू 1.25 घंटा क्यों गाया? कभी ऐसे अनबन हुई है? होता है ये, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो जिसने ज्यादा गाया होता है उसको 1 पैक ज्यादा दे देते। सुपर सर आपका कभी मन नहीं हुआ, जैसे आजकल म्यूजिक वीडियो का जमाना है, कि आप भी 6 पैक बना लें, जीन जैकेट पहन लें, 6 सुंदर सी मॉडल अपने पीछे खड़े कर लें? 6 पैक साथ में ले जाते ना ये। वैसे बलराज आर्टिस्ट का कोई दायरा नहीं होता है, आर्टिस्ट जब चाहे जो चाहे वो रूप धारण कर लेता है और इसका एक नमूना हम अगर हमारे तीनों सुपरस्टार्स की इजाजत हो तो yes, yes, दिखाएं ऑडियंस को। बिल्कुल दिखाना चाहिए सर, हो जाए मॉडर्न अवतार में आप लोगों को देख लें। दिखाइए। चलो फिर आज एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च ही कर देते हैं यार, करते हैं एंटरटेनमेंट की बात। नमस्ते सर, नमस्ते। आदाब आदाब मियां, आदाब मियां, हम आपको आदाब नहीं कह रहे हैं,
हम कह रहे आ और हमारा पैर दाब। ओ हेलो चवन्नी, कौन है तू? एक और बार बदतमीजी से बात की ना आपने तो कसम से कहना छेद वाली चेयर पे बैठा के और नीचे से आपको बेल्ट से मारेंगे। अच्छा मियां बाप ने पूछ ही लिया है तो हम बताते हैं, हम वो हैं जो पंकज उदास बनते बनते रह गए थे। अच्छा, ये पंकज उदास हैं और हम उदास हैं। सिर्फ उदास, सच में उदास। तुमको पता है वो गजल गाते हैं और जितने भारी भारी शब्दों का वो इस्तेमाल करते ना बेटा, नीचे दबके मर जाओगे तुम। अच्छा हम कुछ शायरियां लिख के आए थे, आपकी इजाजत हो तो हम पेश करें। हाँ इरशाद, इरशाद सुनाइए। इरशाद माशाल्लाह, उनकी आरजू पे दिल वालों का दिल मचलता है। क्या क्या शुरुआत है। उनकी आरजू पे दिल वालों का दिल मचलता है, जिनके घर शीशों के हों वो बत्ती बुझा के कपड़े बदलता है। क्या मतलब आदि, क्या घटिया शेर था ना यार, ये बहुत ही वाहियात है यार। शेर वाहियात था। एक्चुअली हमने संता बंता की किताब और मिर्जा गालिब की किताब को मिक्स करके ऐसा और क्या कर, मिक्स कर दिया ना, इसलिए नाम कर दिया शेर। कम भेल ज्यादा लग रहा है ये। टकले शेरी है, टकले ये शेरी है। आप आगे सुनिए। सुनाओ। अय हसीना, अय हसीना तुम्हारे सामने में मोहब्बत की दिए जलाऊंगा। क्या बात है, हसीना तुम्हारे सामने में मोहब्बत के दिए जलाऊंगा, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। मियां ये कुत्ता कमीना हमने आपकी तारीफ में पेश किया। भीगो भीगो के मार रहा है यार। एक और, जो ठान ले वो मोहब्बत क्या पूरा संसार बदल देता है। क्या बात है, जो ठान ले वो मोहब्बत क्या पूरा संसार बदल देता है, कातिया या मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। यार ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्या मियां शायरी अच्छी नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ये इंटरव्यू में बच्चों की एंट्री ये अच्छी नहीं हो रही, इनसिक्योरिटी आ रही मैं बता। अरे मियां अभी तो ये सिर्फ झलक है, धीरे धीरे आप इल्म करेंगे कि हम क्या चीज है। देखिए क्या बात, बहुत बढ़िया। सर आज मूड थोड़ा खराब है यार, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, अभी ऐसे हाल में क्या है ना पंकज जी, मेरे को खाली इसी ने संभाला वरना मैं तो कब का गिर गया होता ऐसे की तैसी। अरे आए, मेरी फेवरेट चीज। अरे एक मिनट रुक, किधर जाना मत यार, एक मिनट यार, तेरी ऐसी की तैसी, एक मिनट सारे, एक मिनट यार, ये क्या है रघु टकलू। अरे यार साले मूड की ऐसी की तैसी कर रही है यार इसने। मैंने इधर से देखा, मुझे लगा जैसे चखने में अखरोट पड़ा हुआ है। चखने में अखरोट पड़ा। लेकिन तेरा सही है यार, पीने से पहले भी ड्राइवर लगता है, पीने के बाद भी बलराज तो ड्राइवर ही लगता है यार। तो देखो खतरों के खिलाड़ी में मैं मिमिक्री करता था, मेरे को ये शो मिल गया, अभी इधर मैं गाना गा रहा हूँ, अगला शो मैं राइजिंग स्टार कर रहा हूँ, उधर जाके मैं डांस करूंगा, मुझे झलक दिखला जा मिल जाएगा, और वहां मैं गुलाटी मारूंगा, फिर खतरों के खिलाड़ी में पहुंच जाऊंगा, इस तरह मेरा काम का सिलसिला चलता रहेगा। जोरदार ताली हो जाए मेरे जैसे चालाक एक्टर के लिए। पंकज जी बचपन से ना मेरे को बड़े जोक आते थे आपके नाम के। अरे रहना है तो खुश रहो यार, उदास तो पंकज जी भी रहते हैं। मेरी जाने बाहर, मेरी गुले गुलजार, तू और मेरी ये शराब ना एकदम एक जैसे हैं। अच्छी हाँ, इसको भी जरा सा मुंह लगाओ सर चढ़ जाती है। खाली इतना ही नहीं, काम खत्म होने के बाद ये भंगार में जाती है। जैसे तू शूटिंग खत्म हो जाने के बाद वो ऋत्विक धनजानिया के पास चली जाती है। देखो ज्यादा बकवास मत करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या काम है। अच्छा तेरे पास टाइम नहीं है? मेरे लिए टाइम नहीं है तेरे पास? अरे पहले कैसा बोलती थी ये पंकज सर कि तुम मुझे नहीं मिले अगर लाइफ में ना तो मैं नस काट के अपना खून बहा दूंगी, तेरी तो नाक भी नहीं बहरी सूर्पनखा।
अरे शायद जीने मरने की कसमें खाते खाते मेरे पैसों का बर्गर खा गई है। वैसे पंकज जी, अपनी जवानी में आपने एक मस्त करोड़पति लड़की को बताया था, वो किधर है आजकल? पंकज जी की करोड़पति गर्लफ्रेंड थी? अरे बस क्या बच्ची। अरे एक वही धनवान थी घोड़ी, बाकी सब कंगाल। है किधर हुआ आजकल पंकज जी? अरे मुझे पता है, वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से सोना चांदी सब जब्त कर लिया होगा है ना? अरे पंकज जी, तलत जी, ये ब्रेकअप ना बड़ी दुखद घटना होती है, मगर इतनी भी दुखद नहीं होती जितनी आप लोगों के गाने उसको बना देते हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ इसके साथ, ये मेरी पीठ पे चाकू मार के गई। मैंने आप लोगों के गाने सुने, मुझे लगा साला गलती मेरी है। हाँ तो तुम जैसे बेवड़े आशिक को पीठ पे ही चाकू मारते हैं। तो तुम मरो, सड़ो अपनी शराब के साथ, मैं जा रही हूँ। अरे अरे क्यों जा रही है मुझे छोड़ के? इन सब मनुष्यों को बर्दाश्त करने के लिए मैं पहले एपिसोड से पी रहा हूँ। चैनल वाले, कलर्स वाले लोग, प्लीज मेरे को इस शो से निकालना मत, कहो तो मैं दिल जान लगा के चापलूसी करूंगा। जय राजनायक। एक नारी आप तीनों पर भारी। उफ, क्या सचमुच आपकी हो गई तैयारी? ऐसी तैयारी है, एक बात कहूँ? तो कहिए। ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। मैं भी कुछ फरमाना चाहूंगी, इरशाद कहेंगे। इस हुस्न पर ना जाइए जहां पना, बड़ी कातिलाना है जुबान, मेरे रैपिंग के स्टाइल ने ले लिया बड़े बड़ों की जान। पता है कि नहीं? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट, ड्रॉप द बीट। ऑलरेडी गो बॉयज एंड गर्ल्स, मेक सम नॉइस, मेक सम नॉइस। अनूप जलोटा जी भजन के ये सम्राट है, गा गा के बना लिए फ्लैट पूरे 60 है। हीरो बने और पोस्टर भी इन्होंने छपाए थे, हीरो बने और पोस्टर भी छपवाए थे, रोमांटिक फिल्म में भी भजन गा के ही आए थे। एक एक शो के खूब लेते पैसे हैं, एक एक शो के खूब लेते पैसे हैं, इनका करियर बताओ राम के भरोसे है। जलोटा साहब, तुम्हाला माझ्यावर भरोसा है ना? बड़ी खबर है मेरी। हम जरा अपने अंदाज में कहें। आइए आइए। Are you ready, Aziz साहब? Absolutely, darling. तलत इतना मीठा रोज कैसे गाल लेते हो, तलत इतना मीठा रोज कैसे गाल लेते हो, रियाज करते हो या गुड़ का बोरा खा लेते हो? तलत साहब, फिल्म स्टार नहीं बने क्या इसी बात की पीड़ा है? फिल्म स्टार नहीं बने क्या इसी बात की पीड़ा है? टीवी पर एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग का कीड़ा है। तो आज हिस्ट्री स्पेशल है। हिस्ट्री स्पेशल? अरे आज गजल स्पेशल है। अरे पता है, लेकिन हमारे लिए गजल तो हिस्ट्री हो गई ना। लवली। आजकल कहाँ गजल सुनने को मिलती है। पहले लोग गजल से पहले जितना देर अलाप लेते थे, आजकल लोग उतना देर में रैप में पूरा गाना खत्म करके घर चले आते हैं। लेकिन ये अलाप क्या होता है? वही जो गजल से पहले लगाते हैं। इसका मतलब मेरे पापा भी गजल सिंगर हैं। मम्मी जब उनको मारते हैं तो पापा अलाप भरने लगते हैं। अगर तेरे पापा गजल सिंगर हैं,
तो उनकी गजल अभी तक मार्केट में आई क्यों नहीं? अरे मम्मी उनको पूरी गजल गाने ही कहाँ देती है। पापा सिर्फ आलाप ही भर पाते हैं। मम्मी कहती है चुप, अगर आवाज भर गई ना तो और मारूंगी। क्या बात कर रही हो, सही में? हाँ, लेकिन ये अंकल कौन है जो इतनी देर से मुस्कुरा रहे हैं? अरे ये पंकज उदास अंकल हैं। जब उदास हैं तो इतने खुश हैं, तो जब खुश होते होंगे तब तो सिद्धू पाजी को भी पीछे छोड़ देते होंगे। अरे यार इनका नाम है पंकज उदास, क्या गजल गाते हैं ये, क्या हरकत होती है इनकी गजल में। तो इनकी मम्मी इन्हें मना नहीं करती कि हरकत मत किया करो? अबे यार म्यूजिकल हरकत। और वो देख, वो है अनूप जलोटा अंकल। अंकल गलती से मैंने ना ट्यूसडे को अंडा खा लिया था। तो भगवान से पूछकर बताइए ना, उन्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ओ हेलो, वो भगवान से कैसे पूछ सकते हैं? अरे इन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं, भगवान से जा तो इन्हें भगवान के बारे में पता है। एक मिनट, ये अंकल कौन है? अरे ये तलत अजीज अंकल हैं, बहुत बड़े सिंगर और एक्टर हैं। सिंगर एक्टर एक साथ? अंकल अब भोजपुरी इंडस्ट्री से हो क्या? और तुझे पता है तलत अंकल झलक दिखला जब मैं भी थे। अंकल आप पक्का भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं हो ना? नहीं यार, इन्हें इंग्लिश आती है बहुत अच्छी। हाँ तो फिर भोजपुरी से नहीं है। यार मुझे गजल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? लंबी बहुत होती है ना। यार ये बात तो तूने सही कही। अभी मेरे पापा बता रहे थे कि उन्होंने एक बार सोचा एग्जाम की तैयारी करने से पहले दो गजल सुन ले। जब दूसरा गजल खत्म हुआ तब दादी जी ने कहा, बेटा अब एग्जाम की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं, अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है। वैसे आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? आज मैं इनके लिए लाया हूँ ये होमवर्क की कॉपी। ये क्यों? अरे मेरी मैम ने मुझे ना पोयम याद करने के लिए कहा है, तो ना मुझे याद नहीं हो रही। आप उसे गजल के फॉर्म में सुना देंगे? क्योंकि क्या है ना, उस गजल में एक एक लाइन 8-8 बार रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को गजल फॉर्म में गा के बताइए ना एक बार मेरे लिए। अनु भाई थैंक यू। बलराज तुम्हारे पास माचिस है? हैं। तो खुद को आग क्यों नहीं लगा लेते? रघु तुम्हारे पास माचिस है? नहीं बिल्कुल नहीं। यार क्या है, ना तुम्हारे पास माचिस है, ना तुम्हारे पास टैलेंट है, ना बाल है, तुम हो क्यों? आप तीन महान हस्तियों को इस छोटी सी हस्ती का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम आदाब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं दुनिया का मशहूर डॉन पाब्लो इस्कोमार। इस्कोमार? लेकिन आज मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, आज मेरा नाम है पाब्लो एस उदास। क्योंकि जब पंकज उदास जी आए हैं तो मैं कुमार शानू को क्यों प्रमोट करूं? और आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ से 24-24 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो पाब्लो एस कुमार आ जाएगा। बच्चा सो भी जाता है लेकिन बच्चे का बाप नहीं सो पाता, यार पाब्लो हमारे घर में इतनी रात गए क्यों आए? लेकिन पंकज जी आपकी आवाज में क्या बात, क्या आवाज है, कितना जब आप सैड सॉन्ग गाते हैं कितना दर्द है आपकी आवाज में। मतलब पंकज जी का सैड सॉन्ग और रवि का कॉमेडी एक्ट दोनों आंख से आंसू निकाल देते हैं। पंकज जी ने एक जगह 5 दिन कंटिन्यू गाना गाया, आज उस जगह को चेरा पूंजी कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, तीन महान हस्तियां, तीन महान गजल सिंगर आए हैं, चौथा भी आ गया दाढ़ी वाला, चौथा सिंगर शेरवानी पहन के। आप गजल सिंगर हैं? नहीं नहीं सर, सिंगर मैं सर, मैं और सिंगर सर, मेरा सिंगिंग से वही ताल्लुक है जो रवि का कॉमेडी से है।
मुझे सिंगर बुक करना है यार। हाँ बताइए कौन चाहिए आपको? मुझे यार, मैं ना अनूप साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। अनूप जी का बजट बताओ मुझे। 20 लाख 21 रुपए। 21 रुपए किस चीज के? 20 लाख तो समझ आता है। 21 रुपए की अगरबत्ती जलाते हैं ना तभी 20 लाख वाला माहौल बनता है। हाँ, अरे अनूप जी तो इतने भक्ति गीत गाए, पता है जिस दिन नहीं गाते ना स्वयं भगवान इनके सपने में आते, कहते हैं बेटा आज मुझे मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा है तो गाना नहीं गाएगा। अरे यार ये सब छोड़ो ना, पंकज उदास जी आए हैं, उनका बजट बता दो। पंकज जी 50 लाख रुपए लेंगे। 50 लाख? हाँ जी। इधर यश। अबे 50 लाख में शकीरा गाती भी और नाचती भी है। बात करते हो। वैसे आपको अगर नाचने के लिए और गाने के लिए दोनों के लिए चाहिए तो आप तलत अजीज जी को लीजिए। तलत साहब डांस करते हैं? अच्छा तुम्हें याद नहीं, तुम झलक के और सीजन में थे ना जिसमें ये भी थे। हाँ तो बट अरे कमाल का डांस करते हैं, कमाल का ठहराव है सर आपके डांस। क्या ठहराव है बे, इतना भी अच्छा नहीं डांस करते हैं। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, इनका ठहराव कमाल का है, मतलब बीट आगे निकल जाती है वहीं ठहर जाते हैं। अबे यार बेबी हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से बुकिंग नहीं करवानी चाहिए, इन्हें सिंगिंग और सिंगर्स की कोई नॉलेज ही नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप, मेरा सिंगिंग और सिंगर से कोई नॉलेज नहीं है? आपको पता नहीं एक बार मैंने 6 घंटे लगातार गाया था। अच्छा उसके बाद फिर? उसके बाद ट्रेन स्टेशन पे रुकी, मैंने अपना कटोरा लिया और निकल गया वहां से। मैं कह रही थी ना ये एक नंबर का लुच्चा और भिखारी इंसान है, इसके साथ तो कोई बुकिंग करनी नहीं है। मुझे भिखारी कह रही, आप मुझे जानती नहीं, आपको पता है मेरे दादाजी ने ऐसा गाना गाया कि एक रात में स्टार बन गए। अच्छा वो भी बहुत अच्छे सिंगर होंगे? नहीं वो बहुत खराब सिंगर थे, बहुत खराब गाना गाया, लोगों ने मार मार के स्टार बना दिया। दादाजी वो चमक रहे हैं। दादाजी मिस यू, मिस यू दादाजी। इसके दादाजी पे तो एक शो भी आ रहा है ना, राइजिंग स्टार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अबे इतने बड़े गजल सिंगर्स आए हैं, हाँ मैं इतने पैसे लेकर आया हूँ, अबे इनको मनवाना है, इनको गाना गवाना है। 50 लाख दे सकते हो? मैं इन तीनों को हाँ करवा दूंगा। ठीक है, 50 लाख 50 लाख दे देंगे, हाँ करवाओ। पक्का? हाँ ठीक है करवा देते हैं। सर आप काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ बोल दिया, लाओ पैसे लाओ।